हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पबजी की क्विक चैट सेटिंग्स को कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपको पता होगा, जब आप उसमें क्विक चैट सेटिंग्स जब भी देखते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 5-6 चैट मिलते हैं, जो कि आपको सभी में देखने को मिल जाते हैं और आप उससे काफ़ी बोर हो चुके होंगे। तो आपने दूसरे जब भी दूसरे किसी दूसरे प्लेयर के साथ खेला होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि दूसरे बंदों के पास कई तरीके के अलग अलग चैट्स होते हैं जो कि आपके पास नहीं होते, और आप सोचते हो बंदे प्रो हैं इस वजह से उनके पास, या उन्होंने रॉयल पास लिया होगा या उनको मिला होगा, तो आपको भी उन्हें यूज़ करने का मन करता होगा उन चैट्स को लेकर। दोस्तों, ऐसे में मैं आज आपको इस वीडियो में उसी चैट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आप पबजी चैट्स को कितनी आसानी से बदल सकते हैं और आप भी नए नए तरीके चैट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने पबजी मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इसमें बताऊँगा कि आप पबजी चैट की वॉइस चेंज भी कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार पबजी में देखा होगा, कई बार एक जो आवाज़ आती है वो कई काफ़ी एक गुस्सैल सी आती है और एक आती है जो सिंपल सी होती है, तो आप वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पबजी के हम होम स्क्रीन पर आ गए हैं। दोस्तों, अब आपको इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे इन्वेंट्री के ऑप्शन पर बिल्कुल चले जाना है। तो आप यहाँ इन्वेंट्री पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद दोस्तों आपको ऐसे इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और फिर दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर का एक ऑप्शन आता है, कैरेट से बना पड़ा रहता है, आपको इस पर आ जाना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ देखिए लाइन से एक नया ऑप्शन खुल जाता है, जहाँ पर ये प्लेन है, बैग है, हेलमेट है लेवल 3 का, तो आपको तरह तरह के इसमें दिख जाता है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चैट का आइकॉन बना हुआ दिखेगा ग्रे कलर में, ये तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे खुल जाता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके यहाँ पे चैट्स दिखाई देंगे, तो जो आपके नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं हमेशा सभी के पास, वो ये रहे साइड में, जो सिंपल से लिखे पड़े, जैसे एक्सीलेंट वर्क, आई गॉट सप्लाईज, या ऐसे कई तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ साइड में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है एक तरीके का पूरे लिस्ट बना पड़े, यहाँ पे आप ये सारे चैट्स ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे चैट्स यहाँ पे तीनों में दे रखे, डिस्कशन, मूवमेंट है, और भी तरीके के बहुत सारे आपको यहाँ चैट्स मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आपको इसे ऐड कैसे करना है अपने क्विक चैट में। दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जा रहा है पीले कलर में, चेंज लिखा हुआ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो चेंज करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी में प्लस का आइकॉन आ जाता है। यहाँ पे अगर आप कैंसिल करें तो देखिए, अभी आइकॉन यहाँ पे कोई नहीं, जब चेंज पे क्लिक करते हैं तो आप प्लस का, माइनस का आइकॉन आ जाता है। दोस्तों, अब आपको करना क्या है, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक लिस्ट का ऑप्शन आता है, तो आपको लिस्ट पे क्लिक कर देना है। और ये दोस्तों, ये मेरी पूरी लिस्ट है, चैट लिस्ट, जिन्हें मैंने सिलेक्ट किया है अपने चैट के लिए, तो आप भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको ऐड कैसे करना है, इसमें आपके 5-6 ही होंगे हो सकता है, तो आपको ऐड कैसे करना है, आपको जो यहाँ राइट साइड में जितने भी सारे दिखाई दे रहे हैं चैट्स, तो आपको जो भी ऐड करना है पहले आपको उस पर सिलेक्ट, जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों, थैंक्स वाला था मैंने उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे भी एक जगह खाली बच गई और यहाँ पे प्लस का आइकॉन आ चुका है। तो हम इसे ऐड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो चैट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे बहुत सारे, तो हम इसमें से वो ढूंढेंगे कौन सा हमें ऐड करना है। तो मेरा थैंक्स वाला था दोस्तों, मैं इसे ढूंढता हूँ कहाँ पर है वो, तो इसमें तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको कुछ भी ऐसे एक ऐड करके दिखाता हूँ इसमें, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसमें सारे ऐड करने पड़ेंगे जिस तरीके से मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे देखिए आप, मुझे यहाँ पे थैंक्स वाला मिल चुका, तो दोस्तों हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले जो भी हमें ऐड करना है, राइट वाले पे हमें क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से, और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं इस तरीके से, इसमें आपको आवाज़ सुनाई देगी जैसे no. ये देखिए, तो इसको ऐड करने के लिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इस पर आप क्लिक कर दीजिए, जब ये लाइन पूरी येलो कलर में हो जाए तो आपको जिस नंबर पर इसे ऐड करना है वहाँ पर प्लस वाले पर लाके इसको टच कर दीजिए यूँ, तो इस तरीके से ये ऐड हो जाता है बहुत ही आसानी से। आप जो भी ऐड करना चाहें तो इस तरीके से बड़ी आसानी से इसमें ऐड किया जा सकता है, काफ़ी आसान तरीके से। तो इस तरीके से आपको सारे ऐड कर लेना। वॉइस चेंज के लिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर देखिए वॉइस का आपको मिल जाता है, क्लासिक वॉइस और एक डिफ़ॉल्ट वॉइस। तो क्लासिक वॉइस में आपको सिंपली सुनने को मिल जाता है, हर चीज़ सिंपली सिंपल से होता है जैसे ये, और ये जो डिफ़ॉल्ट वॉइस में ये थोड़ा अलग से होता है।
तो इसमें जैसे थोड़ा गुस्सेल टाइप का दिखाई देता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है पबजी में। तो इसी तरीके से तो आप पूरा चैट लिस्ट अपनी ऐसे बदल सकते हैं पबजी में, और काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी जल्दी इससे आपको मिल जाते हैं पबजी में एडवांटेज, आपको भी देखने को मिल जाता है गेम में अपने। तो बस यही था वीडियो दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना।